नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निषादों की नाराजगी का सबब क्या। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा ने 9 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। एक सीट एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को दी। एक अन्य सहयोगी निषाद पार्टी भी मछुआ सीट पर उपचुनाव लड़ना चाहती थी। निषाद पार्टी प्रमुख और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यूपी उपचुनाव में सीटों के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात भी की थी और लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ भी लगाई थी। निषाद पार्टी मछुआ और कटहरी सीट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य को मछुआ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये सीट 2022 के विधानसभा चुनाव के समय निषाद पार्टी ने जीती थी। भाजपा की घोषणा के अगले दिन शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में कई स्थानों पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। इसमें डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवन हार करार दिया गया। पोस्टर को लेकर राजनीति भी गरमाई तो कहा गया कि ये सपा को पलटवार है, यानी सपा के जो अखिलेश यादव हैं उनके लिए लिखा था ना 27 के सत्ताधीश, उसके लिए ये पलटवार है। आपको बता दें पिछले दिनों अखिलेश यादव का ये पोस्टर लगा था और पोस्टर में उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। संजय निषाद के पोस्टर को एससी का पलटवार कहा जा रहा था, लेकिन यहां सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि संजय निषाद 2027 के चुनाव में किसके खेवनहार बनेंगे और कहीं ये पोस्टर भाजपा को ये बताने की कोशिश तो नहीं है कि 2027 में निषाद के बिना नैया पार नहीं लग सकती। बहरहाल जब पोस्टर की चर्चा मीडिया में चली तो लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त पीसी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें डॉक्टर संजय निषाद के साथ ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय निषाद ने कहा विधानसभा उपचुनाव में हमारा जो पूर्ण समर्थन है वो बीजेपी को है। डॉक्टर संजय निषाद के बयान के बाद एनडीए गठबंधन में फिलहाल शांति है, सुकून। लेकिन उपचुनाव में कोई सीट नहीं मिलने का निषाद मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सपा को भाजपा गठबंधन की इस खींचतान से कोई लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। इस बीच फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने का भी संकेत दे दिया है। तो क्या ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल होने के साथ साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन की एकजुटता की अग्नि परीक्षा भी है? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल होंगे, जवाब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो देंगे, लेकिन उससे पहले जो सियासी उठापटक चली उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ प्रतिक्रिया से जुड़ी आई हैं वो आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आदरणीय संजय निषाद जी के साथ धोखा देने का काम किया है, बीजेपी का इतिहास रहा है जितनी भी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया उन्हें सदैव धोखा देने का काम किया है, चाहे जेडीयू रही हो, चाहे शिवसेना रही हो, चाहे आपका अकाली दल रहा हो। पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है उनका बस एक नैरेटिव है, एक कॉन्सेप्ट है, बांटो और राज करो, इस नीति पर काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हुआ है और आप देखेंगे क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद जी का बीजेपी ने अपमानित करने का काम किया है उसका बदला जो है निषाद समाज इंडिया अलायंस को जिता करके उत्तर प्रदेश की नौ जो है सीटों को जिताने जा रहा है और प्रचंड वोटों से 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और राजग के जो सहयोगी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके कार्य कर रहे हैं। वो चाहे चुनाव हो चाहे सरकार में हो, सब पार्टी के एसोसिएट नेतृत्व की नीतियों रीतियों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल जनता जनार्दन का है, जनता जनार्दन जात पात पे नहीं बल्कि सुशासन के लिए वोट करती है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था साकार हुई और ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं इसमें सभी 9 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी मजबूत समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त। तो यूपी की राजनीति में जातिवाद ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आधी राजनीति अधूरी हो जाएगी। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में निषाद चाहते थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी एक सीट दे, मछुआ सीट, वैसे तो 2 मांग रहे थे कटहरी, लेकिन लग रहा था मछुआ सीट निषाद को दे दी जाएगी क्योंकि आरएलडी को भी एक सीट दी जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निषाद के पोस्टर लगे और उस पोस्टर को कहा यह पलटवार है अखिलेश यादव के, सत्ता के सत्ताधीश सत्ता वाला उसका ये पलटवार है, क्योंकि निषाद का जो पोस्टर लगा उसमें लिखा गया कि 27 के खेवनहार, यानी आने वाला जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का उसके खेवनहार ये होंगे। पूछा ये गया कि ये खेवनहार है तो किसकी नैया पार लगाएंगे।
बहरहाल उसके बाद एक पीसी हुई जिसमें उन्होंने बताया कि निषाद का साथ बीजेपी के साथ है, लेकिन इसको लेकर कटाक्ष होने लगे हैं। और उधर फूलपुर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने पर्चा दाखिल कर दिया है, यानी फॉर्म भर दिया है। वो भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, बावजूद इसके कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस है उनके नेता सभी सीटों पर टिकट घोषित कर चुके हैं, नामों का ऐलान हो गया है। आइए मिलियन में हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कितनी गांठें गठबंधनों में और 27 से पहले ये टेस्ट है इंडिया और अलायंस गठबंधन में ईमानदारी का भी। केसी जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभा से हमारे साथ डीपी यादव जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार। त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति तो किसी से छुपी नहीं है, कितना भी कह लें कि हम जातियों का साथ नहीं देते, लेकिन जातियां ना हो तो उत्तर प्रदेश में पार्टियों का चुनाव अधूरा है। यहाँ पोस्टर लगे, निषाद सामने आए, कहा कि हम साथ हैं, लेकिन पहले उनका जो पोस्टर लगा था उसने बताया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे मैंने कहा, सवाल दो कि टेस्ट दोनों ही अलायंस का भी है और ये भी कि निषाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, या वो पोस्टर जो इंडिया अलायंस है उसके लिए फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्या कहेंगे सर? देखिए पारुल जी, 2027 के चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन ये जो 9 विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से पिछले कुछ समय से निषाद पार्टी के मुखिया दिल्ली लखनऊ दौड़ भाग कर रहे थे, उससे लग रहा था कि शायद उनको सीटें मिल जाएंगी, दो नहीं तो एक तो मिलेगी। और उनका दावा भी था, चूंकि जब आप अपने भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को एक सीट दे सकता है तो एक सीट निषाद पार्टी की, जो चूंकि उन्हीं की सीट थी, तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, जिसमें निषाद पार्टी के जो मुखिया थे उनका लड़का चुनाव हार गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्वांचल में कई सीटें हारने के से ये एक मैसेज गया कि निषाद समाज जो था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं तब्दील हो पाया वोट बैंक का। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के जो मुखिया थे उनकी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में कमजोर हुई, और उसी का नतीजा था कि ये उपचुनाव, चूंकि यूपी के ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने इस किसी भी सहयोगी को, अगर पश्चिम की बात छोड़ दें राष्ट्रीय लोकदल को, तो किसी अन्य जो सहयोगी हैं उनको इस सीटों पे प्रत्याशी उनके ना उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। अब वो कहें कि सत्ता अखिलेश की सत्ता के सत्ताधीश 27 के, अब उन्होंने लिखा दिया खेवन हार। अब खेवन हार चूंकि तब तक क्या स्थितियां होंगी, किसके वो खेवन हार बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। चूंकि जब चुनाव होता है उस समय सबकी गणित बदल जाती है, हर आदमी अपना एक सुरक्षित ठिया तलाशता है, उसको लगता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी से हमको कितना सहयोग मिला या हमारी कितनी सुनी गई, तो उसके बाद वो अलग तलाश करता है अपनी महत्वाकांक्षा। तो अब ये खेवन हार किसके होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये बता दिया कि आपकी अगर आप अब मजबूत होंगे तभी भाजपा आपको महत्व देगी। जैसे पश्चिम में रालोद को तो उन्होंने महत्व दिया, लेकिन निषाद पार्टी के मुखिया को उन्होंने महत्व नहीं दिया, जबकि वो सीट उन्हीं की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि यूपी में एक भी सीट को, जो उनका गणित है, किसी भी तरह से वो लूज नहीं होना चाहते, उनको लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल करना। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की यूपी में स्थिति बनी थी, जो माहौल बना था, उसका ये कहीं ना कहीं एक प्रतिफल है। और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों की जीत के वो 2027 को ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी के में जनाधार कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। ठीक, केसी जैन साहब, निषाद साहब ने आंखें दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की निषाद उनके आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन यहाँ अब विपक्ष भी आपके चुटकी ले रहा है, ये कह रहा है कि आप देखिए जिस तरीके से निषाद का टिकट नहीं दिया, उसके बाद उनके पोस्टर लग गए, पोस्टर में भी बहुत कुछ लिखा गया, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मनाने में कितने पापड़ बेलने पड़े निषाद जी को। देखिए पारुल जी, जब से ये जो चुनाव आयोग है, जब से इस चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की है, तब से हम लोग कई बार आपके चैनल पे उपचुनाव को लेकर की डिस्कस किए हैं, और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे जो घटक दल हैं वो हमारे साथ में, लोकसभा में भी हमारे साथ में थे, विधानसभा में भी हमारे साथ में थे, और उपचुनाव में भी हमारे साथ। जबकि विपक्ष का क्या है कि अलग अलग चुनाव में अलग अलग दिखाई देते हैं, एक दूसरे पे ही वार करते हुए दिखाई देते हैं। तो रही बात मनाने की, ये जब हमारे साथ शुरू से है तो मनाने का कोई मतलब नहीं, जब रूठे ही रहे तो मनाने का क्या मतलब है। और दूसरी बात यह है, किसके बनने की कोशिश कर रहे थे फिर?
नहीं तो देखिए, अगर हमारे सहयोगी दल हैं तो एक साथ आकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 0 से 11 पर पहुंची निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सहयोग किया। और जिस सीट को खाली होने की बात हो रही है उस सीट पे भी देखिए हमने टिकट भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया होता तो क्या वो सीट वहां पर ये होता कि किसके लिए था सर? नहीं देखिए, उपचुनाव के लिए चाहे देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव के लिए आगे देखिए, लेकिन सब लोग साथ साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी घटक दल हैं उनमें कहीं पे भी कोई टकराव की स्थिति नहीं है। तो जब रूठे नहीं थे तो बनाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो करके सारी चीजें बिल्कुल साफ हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की जरूरत क्यों पड़ी जब साथ ही थे? तो नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं ना क्यों जबरदस्ती। देखिए तमाम सारी चीजें एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास जिस प्रकार से विपक्ष कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बताना चाह रही थी या फिर निषाद वोटर्स को बताना चाह रही थी? नहीं, सबके लिए कि हम लोग साथ साथ हैं। जो ये कयास लगा रहे थे कि निषाद पार्टी कहीं छिन्न भी नहीं पूछाए, उसमें मांझी है, कहार है, कश्यप है, निषाद है, बिंद है, उनको लगता था ये अलग अलग है, कहीं अलग नहीं है, सारे हमारे साथ में। और विपक्षी दल कह रहे हैं कि यहाँ मना लिए हैं, वहां के लिए वादा कर दिए हैं 27 के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब से भारतीय जनता पार्टी में निषाद जी आए हैं, चाहे आप देखिए कि आरएलडी के लोग हमारे साथ में आए, आरएलडी पार्टी हमारे साथ में आई है। आरएलडी तो लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के, लेकिन उनका जो पीडीए पीडीए जो बात कर रहे थे सिर्फ दिखावे का पीडीए। जब विपक्ष के नेता की बात आई तो किसी और का चेहरा सामने ले आते हैं और बात करते हैं। पीडीए में तो उन्होंने अल्पसंख्यक भी दिखा दिए, वो नाराज होकर पीडीए की चर्चा बीजेपी में भी होने लगी है। वो नाराज होकर के हमारे साथ आ गए, चाहे एलडीए, चाहे आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल हो आज हमारे साथ में। और एक चीज है, अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बात कर रहे थे, आलोक जी ने एक बहुत बात अच्छी बात स्पष्ट रूप से कही और उसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक पार्टी कैंडिडेट इस हिसाब से उतारती है कि हमारे पास जिताऊ कैंडिडेट हो, और ऐसा समीकरण भी देख करके कैंडिडेट उतारे जाते हैं कि चुनाव जीते। सिर्फ चुनाव लड़ना बात ठप्पा भी लगा कर नहीं घूमते ना कि हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, वो ऐसा अभी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पोस्टर ने बहुत कुछ बता दिया। और वो 27 क्यों बनना चाह रहे हैं, या इधर जाएंगे उधर जाएंगे? पारुल जी, जो घटक दल है हमारे साथ है, लेकिन कैंडिडेट की जब बात आती है, कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो चुनाव जीते। तो सिर्फ और चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लड़ा जाता है चुनाव जीतने के लिए साथ। निषाद जी भी तो चक्कर दिल्ली के इसलिए लगा रहे थे कि उनका कैंडिडेट कोई उनके सिंबल पर उतरे, वो भी जिताए उन्हें, उसके लिए मेहनत करें। नहीं, उन्होंने एक चीज और स्पष्ट कर दी कि देखिए हम चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं चाहते, हम चुनाव जीतना चाहते। उन्होंने भी ये बात कही, यही बात भारतीय जनता पार्टी चाहती है और यही बात आदरणीय आलोक जी ने कही कि कैंडिडेट ऐसा हो। दोनों ही जगह लागू होती है, चाहती है कि आप दल कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे अपोजिशन को हराया जाए, जो अपोजिट पार्टी है उसको हराया जाए, इसलिए हम सरेंडर कर चुके हैं। यही कांग्रेस की तरफ से कल तक बयान आ रहे थे डीपी यादव जी, और अब दोबारा यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के एक नेता ने, जिला अध्यक्ष हैं फूलपुर से, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा दी है, पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ये मान मुनव्वल का दौर है या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस इनडायरेक्टली अपने कैंडिडेट उतार रही है, यहाँ तो सपोर्टर हैं, क्या कहेंगे सर? पूरी तरह कांग्रेस को नहीं हटा पा रहे? जी देखिए पारुल जी, एक दिन हम लोग पहले भी इस पे डिबेट किए थे और मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि जिससे कहीं गलतफहमी की कोई गुंजाइश हो। टिकट अनाउंस हो गया तो गड़बड़ की बात ही नहीं आती, किसी तनाव की बात नहीं है। पर्चा दाखिल कर सकते हैं, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी उनके ऊपर डिसीजन लेगी, उनके ऊपर कार्यवाही करेगी, या जैसा भी कार्रवाई डिसीजन लेना होगा पार्टी लेगी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कल तक जो लोग दूसरे के घरों पर पत्थर मार रहे थे, तो मैंने कहा था कि जिनके स्वयं के घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। और निषाद जी ने दिखा दिया, आज निषाद जी को एक भी सीट नहीं मिली। अरे भारतीय जनता पार्टी को उनको सीट देना चाहिए था, लेकिन तो भागे नहीं ना छोड़ के, आपके अरमान वहीं रह गए, पूरे नहीं हो पाया। ये तो साथ साथ कह के भी साथ साथ नहीं है ना, आप तो साथ साथ कह रहे हैं। उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा है या उनका कोई नेता निर्दलीय नहीं लड़ रहा है निषादों में से, यहाँ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस आपके साथ है, लेकिन पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से बनता है सर, डीपी यादव जी, और वो अगर कार्यकर्ता ही आपकी खिलाफत करने लगे तो कांग्रेस का वोटर कहां से आएगा आपके पास?
पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक साथ है, पार्टी के नेता एक साथ है, पार्टी के नेताओं के तरफ से कार्यकर्ता नेता होता है क्या या पार्टी होती है? मैं तो कह रहा हूँ अगर उस कार्यकर्ता की इच्छा है तो चुनाव लड़े वो। अब पार्टी को उसको देखना है किस प्रकार की कार्यवाही करती है, कैसे करती है, अब पार्टी उस पर डिसीजन लेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखिए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी निकले कम। आज निषाद जी कहाँ खड़े हैं? इन्हीं निषाद जी के बेटे को प्रवीण मंत्री बने बैठे हैं भाई, वो पार्टी कहाँ खड़े हैं? वो सोचे मंत्री कम से कम मैं बनाऊ, टिकट नहीं मिल रहा ठीक है, ये ना खिसक जाए मेरे हाथ से, वो भी तो सवाल नहीं संभल रहा है, बगावत हो रही है। अरे जिला अध्यक्ष है वो, जिला अध्यक्ष है, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी का जिला अध्यक्ष है आपके सामने, विरोध कर रहा है आपका, बिल्कुल लोकतंत्र है। फिर क्यों कहते हैं हम साथ साथ है, फिर क्यों इंडी गठबंधन का माला जप रहे हैं? इसका मतलब इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो चुका है, इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो चुका है ना, इस चीज को स्वीकार करिए। इंडी गठबंधन छिन्न भिन्न हो चुका है, अभी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, पंजाब में दिखाया, ममता जी ने दिखाया। इंडी गठबंधन पूरी करने अपनी डीपी यादव जी, ऐसी जनसभा पूरी ना सर रुकना होगा सर, ठीक है, हो ही नहीं सकते उनकी नाराजगी का फायदा आपको भी तो होना चाहिए ना डीपी यादव जी। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा हम साथ साथ हैं, तो फिर आपको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा उसका। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या गंगा जल में खड़े होकर के कहें, हाँ। अब उनकी बात कोई नहीं सुनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी उनको समाप्त क्या बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी उतर आया मैदान में, वो अजब है, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में उतर आया वो अजब है। उम्मीदवार उतारे मैदान में कांग्रेस ने, उनकी पीड़ा भी सुने होंगे, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया लीडर्स ने कि हम सपा को समर्थन दे रहे हैं और हम खाली हाथ बाहर जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है जो नारा उन्होंने दिया था वो आपने पूरा कर दिया, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भी उनके जो नेता है उनसे भी बात कर लीजिए, उनकी क्या इच्छा है, वो कांग्रेस के इस डिसीजन से जो कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करने के लिए आपको समर्थन कांग्रेस ने दिया है ना, तो उनके कार्यकर्ता आपके लिए काम करेंगे, तो वो आपके साथ है भी या नहीं है? राहुल जी थोड़ी ना आएंगे वोटर उठाने के लिए या वोटरों को लेकर जाने के लिए कि चलो वोट डलवा। तो नरेंद्र मोदी आएंगे क्या या संजय निषाद आएंगे क्या या अरे मैं जिला अध्यक्ष की बात कर रही हूँ, आप नरेंद्र मोदी से जिला अध्यक्ष को कंपेयर कर रहे हो, जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी से कंपेयर कर रही हूँ क्या मैं? वही तो पूछ रहे, कार्यकर्ता आएगा ना वोट डलवाने के लिए, मेहनत तो कार्यकर्ता करेगा। वो जिला अध्यक्ष है फूलपुर से जिन्होंने कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। हुए लोकतंत्र है, कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है, उनकी इच्छा थी वो चुनाव लड़ना चाहते पर्चा दाखिल कर दिया। अब जनता डिसाइड करेगी ना, जनता किसके साथ है किसके साथ नहीं है। हमारे शीर्ष नेता ये बता चुके हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगी। पहली प्राथमिकता जी की कमी महसूस हो रही है, शिवपाल जी को अगर पॉलिटिकल क्वेश्चन को समझते तो शायद वो बेहतरीन जवाब दे पाते, लेकिन ठीक है डीपी यादव जी आपने अपने तरीके से जवाब दिया। शिवपाल यादव जी होते तो राजनीति को समझने की कोशिश करते, समाजवादी पार्टी में उन्हें चाणक्य कहा जाता है। आलोक जी मैं गलत कह रही हूँ? इस सवाल को मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ डीपी यादव जी उसे समझना ही नहीं चाहते लगता है, या फिर समझ रही हूँ डिबेट है आपको अपने तरीके से जवाब देना। क्या एक कार्यकर्ता अगर पार्टी की खिलाफत कर दे निर्दलीय चला जाए तो वो उसका उसका जो वोटर है जो उस पार्टी का वोटर है उसका नुकसान समर्थन दल को नहीं होगा आलोक जी? और फिर वो किस किस जगह पर अपनी छाप छोड़ रहे होंगे या उनके और भी कनेक्शन होंगे वहां फर्क नहीं पड़ेगा उसका? ये मतलब ये लग रहा है कि डीपी यादव जी समझना नहीं चाह रहे या फिर चाहते हैं कि ये सवाल मुझसे ऐसे ही पूछो जैसे मैं चाहता हूँ? नहीं देखिए जी, देखिए परुल जी होता क्या है कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो वो इसीलिए काम करता है, इसीलिए मेहनत करता है, दरी बिछाता है कि जब चुनाव होगा तो उसको टिकट मिलेगा, वो भी विधायक बनेगा सांसद बनेगा। लेकिन कई बार ऐसी रणनीति बनती है, केंद्रीय नेता तो ऐसा निर्णय कर लेते हैं को उसके बाद उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। यही हाल कांग्रेस का हुआ कि कांग्रेस में पिछले जब से हुआ कि 9 सीटों 10 सीटों पे उपचुनाव होगा उसके बाद से जहां जहां चुनाव होना था वहां के कार्यकर्ता नेता सब लगे हुए थे 1 सीटों को लेकर के, और फूलपुर तो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, वहां तो तैयारी कर रहे थे।
जी तो लग ही रहा था कि कांग्रेस को फूलपुर तो मिलेगी ही मिलेगी, और उसके बाद दौड़ भाग होने के बाद सब कुछ होने के बाद अंत में ये निर्णय हो जाए कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल को सिर्फ धक्का लगाएगी, पीछे से पुश करेगी और उसके कोई प्रत्याशी नहीं होंगे, तो उसके बाद जो उनके नेता कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे उनका क्या, तो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, तो ये जो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है वो यही एक निकल के आई कि उनका जो अपनी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की, ये चुनाव के दौरान इस तरह के कई केस इस तरह की तमाम दृश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन अंततः या तो वो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या फिर पार्टी द्वारा समझाने के बाद वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, तो ये दोनों चीजें होती हैं। अब क्या होगा इसमें तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता जो कार्यकर्ता पिछले काफी समय से तैयारियां कर रहे थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और उनको लग रहा है कि जो है इतनी मेहनत करने के बाद भी जब सपा को ही जिताना है सपा की पार्टी को कैसे, आलोक त्रिपाठी जी बिल्कुल मैं इसको बगावत ही कह सकते हैं, जो पार्टी के ने जो डिसीजन किया केंद्रीय नेतृत्व ने और उसके बाद अगर आप कोई नामांकन करते हैं और जो पार्टी लाइन से अलग जा करके आप जो कुछ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पार्टी के आदेशों को पार्टी के मुखिया के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, तो और जाहिर सी बात है जब कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहा है हर स्तर पर बारिश गर्मी में सभी समय पर जाके पार्टी के लिए काम करता है तो उसके लिए भी पार्टी को सोचना चाहिए, लेकिन इधर दिक्कत हो गई। और यहाँ तो निषाद जी ने अपना कोशिश की है बताने की हमारे जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनके लिए उन्होंने फाइट की, एक पोस्टर लगा के पार्टी के खिलाफत उन्होंने भी कर दी। यहाँ मैं आलोक जी सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 9 सीटों पर निषाद की नाराजगी, उसके बाद हुआ डैमेज कंट्रोल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये बच गए हैं या अभी आपको लगता है कि ये संदेश ठीक नहीं गया कार्यकर्ताओं में कि निषादों में से निषाद पार्टी में से एक भी कैंडिडेट नहीं है? और दूसरा, यहाँ क्या सपा को इसका फायदा मिल सकता है? त्रिपाठी जी, निषादों का बड़ा महत्व है और पिछले बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से निषाद पार्टी के नेता के हार हुई उसके बाद से और भाजपा के भी कई सीटों पे जो परफॉर्मेंस दिखा उसमें बहुत अच्छा रोल नहीं दिखा निषाद पार्टी का, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव के महत्व को ध्यान में रखते हुए निषाद पार्टी को सीट स्वयं मैदान में उतरने का निर्णय लिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वो सीट भी हाथ से चले जाए सहयोगी दल को दे करके, और इसके लिए उन्होंने उनको मनाया। अब उनकी मजबूरी भी है क्योंकि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के वो सभी का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद ही उनका चीजें बढ़ती गई है, तो अगर अकेले लड़ेंगे तो वो कोई महत्व नहीं रखता। यही हाल है कि उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि खेवन हार की 2027 में हमको भूलिएगा नहीं, हम खेवन हार की भूमिका में दिखाने की कोशिश की है और फिर बाद में ये भी कह दिया कि हम तो आप ही के साथ है। खैर, सोशल इंजीनियरिंग पर बहुत ध्यान दिया है दलों ने केसी जैन साहब, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस ही नहीं है, बीएसपी भी मैदान में है जाहिर सी बात है, और जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग आपने अलग अलग सीटों पर की है उस लिहाज से वोट कटिंग का काम बीएसपी भी करेगी तो मुश्किल होगी, चुनौतियां होंगी आपको लगता है? नहीं पारुल जी, देखिए आलोक जी ने, आदरणीय आलोक जी ने शुरू में टिप्पणी की थी कि इस चीज का ध्यान रखती हैं पार्टियां कि उनका जो कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट हो, यानी कि उसकी क्या पैठ है समाज में और कितना पुराना कार्यकर्ता है, जाति का वोट बैंक भी है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है चुनाव। नहीं देखिए पारुल जी, हमारे सामने कौन कैंडिडेट है उसके हिसाब से भी कई बार कैंडिडेट तय होता है, जैसे कि आप तो आपने जो जाति की बात कर दी, अब आप देखिए करैल सीट को लेकर के बात हो रही थी कि नहीं वो समाजवादी पार्टी की हमें सारी, तो इसके पहले भी आप देखिए कि चाहे अच्छे जी हो चाहे धर्मेंद्र जी हो चाहे डिपल जहाँ चुनाव होते थे जीत जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ परिवर्तन हो सारे के सारे चुनाव हार गए थे, तो ये कोई चीज कोई राजतंत्र नहीं कि हमेशा के लिए स्थापित है, यहाँ परिवर्तन होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको और कह दूं पारुल जी, जो ये कांग्रेस का प्रत्याशी उतरा है वो ऐसे नहीं उतरा है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, शायद वहां के प्रभारी भी हैं मीर साहब, उन्होंने कहा कि जो अगर कांग्रेस के प्रत्याशी सबसे ज्यादा जीतेंगे तो झारखंड में मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, यानी अपने सहयोगी दलों को हरा दो और कांग्रेस के कैंडिडेट को। दीपी यादव जी, आपका रिएक्शन? कहीं ना कहीं वही चीजें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कांग्रेस कर रही है, चुनाव तो नहीं लड़ रही है लेकिन समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं झटका देने का काम पीछे से कर रही है कांग्रेस, क्योंकि इनको 6 सीटें जो है मध्य प्रदेश में नहीं दी थी, तो यहाँ तो इन्होंने किनारा कस लिया। नहीं ऐसा तो नहीं डीपी यादव जी, आप भरोसे में हैं और भरोसे को तार तार कहीं और से किया जा रहा हो? डीपी यादव, देखिए ये गठबंधन भरोसे के बुनियाद टिका हुआ है और हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे दिया है,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकारी उत्तर प्रदेश में रही और आने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। देखिए संजय जी ने आज ये बात कही कि हम 56 हार हैं। जब आपके उपचुनाव हार गए अब एक सीट मिला नहीं तो आप किस प्रकार के 56 हार हैं? आपकी तो नैया स्वयं डूब रही है तो आप दूसरे को कैसे पहाड़ लगाएंगे? ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और भारतीय जनता पार्टी का ये ध्यान रहा है कि जो भी उसने गठबंधन किया है, चाहे आप महाराष्ट्र की बात शिवसेना की ले लीजिए, ध्यान दे लीजिए फोन कॉल आ रहा है। अरे 17 में आपने किया था गठबंधन कांग्रेस से, फिक्र नहीं तो क्या वो अगर 27 में 56 हार बता रहे हैं अपने आप को और आप अगर आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो उनको अपनी पार्टी में लीजिएगा। अगर कांग्रेस ने 2-4 सीटों पे ऐसे ही, चलिए समय इतना ही था, हम चर्चा कर रहे थे उपचुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहाँ पोस्टर लगा निषाद जी का और उन्हें 56 हार बताया गया, फिर उस पोस्टर को लेकर चर्चा हुई कि 27 में निषाद जी बताना चाह रहे हैं कि वो किसके 56 हार हो सकते हैं। यहाँ ग्रीन सिग्नल मिला भारतीय जनता पार्टी को, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कहा गया कि जो र्यूमर्स की जा रही थी, भ्रामक जानकारियाँ दी जा रही थी, उसको ठीक करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इसलिए भी पड़ी क्योंकि पहले 56 हार वाला होर्डिंग भी तो लगा था। जाहिर सी बात है 56 हार अपने आप को जवाब अखिलेश यादव को तो नहीं दे रहे थे, वो एक सिग्नल दे रहे थे क्योंकि उनकी पार्टी में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। अब क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी खत्म कर दी है? इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? और वहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है कांग्रेस के समर्थन देने के बाद, तो ये फूट नहीं दिखा रहा है क्या? बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझना क्योंकि धुरंधर राजनेता हैं और ऐसी ऐसी चालें चलते हैं वो भी चुनावी समय पर कि चित कहाँ होगी, पट कहाँ होगी, कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।